अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं एमरेट्स एनबिटी क्रेडिट कार्ड एलिजिबिलिटी के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि अगर आप लोग एनबिटी का अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें जो क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है तो वो मैक्सिमम लोन आपको कितना दे रहे हैं। तो काफ़ी दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि एनबिटी का जो क्रेडिट कार्ड है उसकी कितनी लिमिट है, हम कितना उसमें से लोन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल बताऊँगा। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रिसेंट मेरे कुछ दोस्तों ने एनबिटी अकाउंट ओपन किया था और उसका जब उनको क्रेडिट कार्ड मिला तो एजेंट की तरफ से यही कहा गया था कि आप लोगों को 15,000 दिरहम तक लोन मिलेगा। तो जब उन्होंने अकाउंट ओपन किया तो उसके बाद जब उनसे कॉन्टैक्ट हुआ तो उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी जो कि उन्होंने बताएं कि आप अगर ये फुलफ़िल करेंगे तो ही आप जो है वो 15,000 लोन ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको 2500 दिरहम लोन जो है वो इसमें से मिलेगा। तो अकाउंट ओपन करने से पहले आप इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है एनबिटी की, ये आप यहाँ पर गूगल में जाकर इस पर सर्च करके आप देख सकते हैं। मैंने इसको ओपन किया हुआ है तो ये जो उन्होंने इसका क्राइटेरिया रखा हुआ है आप ये देख सकते हैं। आप इसको मुकम्मल पढ़ें, उसमें ये लिखा गया है कि आप 20,000 लोन जो है वो उसी सूरत में ले सकते हैं जब आपकी जो प्रीवियस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो देखी जाएगी, हिस्ट्री आपकी देखी जाएगी कि आपके जो बैंक में अकाउंट है वो कितने टाइम से है और आप उसमें से कितना विदड्रा ले रहे हैं और कितनी आपकी जो है सेविंग उसमें हो रही है। ये आपकी लाइबिलिटीज़ को भी कंसिडर किया जाएगा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। और उसके बाद आप लोगों से ये भी कहा जाएगा कि आप लोग जो है 1 साल 1.5 साल तक अकाउंट आपका जो है वो इसमें ओपन होना चाहिए, तभी आप जो है वो 20,000 तक रीच कर सकते हैं। तो ये काफ़ी रिस्ट्रिक्शन उन्होंने रखी हुई हैं। तो आप अकाउंट ओपन करने से पहले आपको ये स्टडी कर लेना चाहिए ताकि आप लोगों के माइंड में ये ना रहे कि हमें जो है वो 15,000 या 20,000 का लोन इजीली यहाँ से मिल जाएगा। तो अभी जब आप अकाउंट ओपन करेंगे, अगर आपकी सैलरी 5,000 है, आमतौर पर बैंक तो 90% ADCB जैसे वो 90% दे रहे हैं, तो इनका जो ये आपको 90% से भी कम आपको लोन। तो गाइज़ आप जब भी अकाउंट इसका ओपन करें उससे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनके जो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको मुकम्मल पढ़ना चाहिए और उसके बाद ही आप अकाउंट ओपन करें अगर आपको आपके लिए सूटेबल है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।